कहता है बाबू ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है, और वेरीफाई करना है आपको ए डॉट बी का इनवर्स इक्वल टू बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। पहले हम लोग एल एच एस चलते हैं बाबू, एल एच एस लेते हैं आपका एल एच एस। सबसे पहले निकालना पड़ेगा एल एच एस में हमारा दिया हुआ है ए डॉट बी का क्या दिया हुआ है इनवर्स। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग ए डॉट बी। ए आपका गिवन है बाबू 3 7 2 5, और बी आपका गिवन है 6 8 7 9। ए डॉट निकालेंगे तो पहला रो पहला कॉलम इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा कितना 18, ठीक है, बीच में प्लस, ये इसके साथ करेगा बाबू तो हो जाएगा कितना 49, ठीक है। अब देखो ये करेगा इसके साथ मल्टीप्लाई तो 38 24 प्लस, ये करेगा इसके साथ 9 7 63, ठीक है। चलो ये करेगा इसके साथ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 12 प्लस, ये करेगा इसके साथ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा कितना 35, ठीक, ये करेगा इसके साथ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 16, ये करेगा इसके साथ मल्टीप्लाई तो 9 5 45, ठीक है, जोड़ लो बाबू 8 8 16 1 17 के साथ 4 5 और 1 6, ठीक है, यहाँ 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, यहाँ ये सर 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, यहाँ ये 6 और 5 क्या हो जाएगा 11, 4 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो गया बाबू आपका ए डॉट बी। अब निकालना है इनवर्स, तो इनवर्स निकालने के लिए हमें चाहिए बाबू एडजॉइंट तो और डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले निकालेंगे बाबू ए डॉट बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू, अब डिटरमिनेंट क्या करेगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6 7 इंटू हो जाएगा बाबू 61 माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कराएगा, ठीक है कि नहीं, यहाँ हो जाएगा 4 7 और इनटू हो जाएगा बाबू आपका 87, ठीक है। अब करेंगे क्या कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4089, ऑटोमेटिक है बाबू कि इसका वैल्यू आ जाएगा -2, ठीक है, तो डिटरमिनेंट जो आ गया वह -2 आ गया, मैंने नॉट इक्वल टू 0 है, इनवर्स तो निकल लेगा। अब निकालेंगे क्या एडजॉइंट, यहाँ आ जाएगा क्या एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी, ए बी का एडजॉइंट जब आप निकालेंगे तो देखो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 61 और यहाँ हो जाएगा 67, ठीक है, और यहाँ साइन चेंज करेगा 47 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 87, ठीक है। अब जब आप निकालेंगे बाबू इनवर्स यहीं पर निकाल लो, तो यहाँ हो जाएगा ए डॉट बी का क्या हो जाएगा इनवर्स, तो ए डॉट बी का इनवर्स मतलब 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट कितना -2, एडजॉइंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है 6 1, माइनस हो जाएगा 87, यहाँ हो जाएगा -47 और यहाँ हो जाएगा 67। ये आ गया आपका एल एच एस, यहीं पर छोड़ो, अब आर एच एस की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। आर एच एस में हमारा है बाबू आर एच एस, आर एच एस में कहता है कि बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, तो सबसे पहले बी का इनवर्स निकालेंगे, बी का इनवर्स, बी का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको डिटरमिनेंट चाहिए, ठीक है कि नहीं, तो बी का डिटरमिनेंट यदि निकालेंगे आप यहाँ पर निकाल लो ना, नहीं है तो बी का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54 माइनस 8 7 56 आ जाएगा क्या -2, ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी हमको मिल गया बाबू 1 अपॉन -2, और फिर कहता है कि एडजॉइंट ऑफ बी नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे,
यहाँ हो जाएगा 9 है, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा माइनस में 8, यहाँ हो जाएगा माइनस में 7। ये मिल गया क्या बी का इनवर्स। फिर निकालेंगे बाबू आप ए का इनवर्स, ठीक है। तो जब आप ए का इनवर्स निकालेंगे तो डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ेगा ए का। तो ए का डिटरमिनेंट निकालोगे बाबू तो यहाँ 3 5 15 और 7 2 14 है, एक आएगा, तो इसलिए हम लोग 1/1 छोड़ देते हैं इसको। इसका ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 3। इसका साइन चेंज करेगा, यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा -7। क्या है बात क्लियर है? चार। अब देखो जी, अब निकालना है क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे निकालना है तो बोल रहा है क्या कि निकालना है बी का इनवर्स डॉट ए का इनवर्स इक्वल टू, तब बी का इनवर्स ये दिया हुआ है, ए का इनवर्स ये दिया हुआ है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या है आपका, 1/-2, रहने दो जैसा है वैसा है। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, देखो 9 5 45, ठीक है, और माइनस और माइनस प्लस, और 8 2 16, 45 और 16 61, तो यहाँ आ जाएगा 61। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा 87, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -47, यहाँ आ जाएगा 67। तो देखिए, तो यह है आपका LHS और ये आया है आपका RHS। तो आप बोल सकते हैं बाबू कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया, ठीक है। इसको आराम से लिखो फिर बताते हैं। होता है a इंटू ए, इसी को बोला जाता है a का स्क्वायर, ठीक। यहाँ लिखेंगे क्या, 3 1 -1 2, यहाँ भी हो जाएगा बाबू 3 1 -1 2। मल्टीप्लाई करिए, इसको इसके साथ करेंगे तो 9 मिलेगा, इसको इसके साथ करेंगे तो -1 मिलेगा, इसको इसके साथ करिएगा मल्टीप्लाई तो 3, और इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस होता है ना यार, माइनस क्यों लिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको इसके साथ करेंगे तो ठीक है, इसको इसके साथ, अच्छा ठीक है, यहाँ पर माइनस हो गए, इसको इसके साथ, ठीक है जी। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा 3, यही आया, ठीक। ये आया आपका a का स्क्वायर। नेक्स्ट निकालना है आपको 5a, a में 5 से गुना कर दो, 15, यहाँ हो जाएगा 5, -5, यहाँ हो जाएगा कितना बाबू, 5 2 10, ठीक है। नेक्स्ट फिर कह रहा 7i करो, 7i आइडेंटिटी मैट्रिक्स 7 0 0 7, ठीक है जी। अब आइए इक्वेशंस को लेकर के, बोल रहा है क्या a का स्क्वायर -5a प्लस 7i, a का स्क्वायर कितना आया जी, 8 5, -5 3, माइनस इसका वैल्यू बताओ, -15 5, -5 यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है प्लस 7 0 0 7, देख लेते हैं सर। एक काम करो, पहले ऐड वाला कार्यक्रम कर लो, ये और ये दोनों ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 15, और ये और ए ऐड करेगा तो हो जाएगा 5, ए और ए ऐड करेगा तो -5, ए और ए ऐड करेगा बाबू तो हो जाएगा 10, इसमें से घटा दो ये वाला, यहाँ कितना 15 5, -5 10। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा सर, से देखो इसमें से इस जाएगा 0, ये 0, यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा 0। तो देखिए तो आ गया ना, तो आपको जो प्रूफ करना था तो LHS इक्वल टू हो जाएगा RHS।
यहाँ जाएगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एक तो प्रूफ हो गया। सेकंड में कह रहा है कि ए का इनवर्स फाइंड करो, ठीक है जी। तो ए का इनवर्स निकालने के लिए होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और लिखा जाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो 1 अपॉन डिटरमिनेंट निकालो जी, यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको निकाल देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलो मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 6, अब इसको इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस माइनस प्लस 1, तो हो जाएगा कितना, 7, ठीक है जी। अब यहाँ पर लिखो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 7 एडजॉइंट ऑफ ए, नीचे वाला ऊपर, 2 3, इनका साइन चेंज, 1 माइनस 1, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो या यही छोड़ दो, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। दिया हुआ ए इजकल टू दिस है, ए बी फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इजकल टू क्या है, 0। यहाँ से ए बी निकालना है, कोई बात नहीं, सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालो, ठीक है। जब आप ए स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 2 1 1, और फिर लिखेंगे जी 3 2 1 1, किया जाए मल्टीप्लाई, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9, 2 में 1 से करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 6, इसको इससे करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। चलो अब इसको ऐड करो जी, यहाँ हो जाएगा कितना, 11 8 4 3, ठीक। अब कहता है ए इंटू ए करो, ए इंटू कैपिटल ए, इसमें ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या 3 a 2 a, यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ भी हो जाएगा ए, ठीक। अब कहता है बाबू बी आई करो, बी आई, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बी करो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी 0 0, अरे यहाँ हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ 1 और 1 होता है, बाकी तो सब 0 होते हैं, सब निकल गया वैल्यू। अब चलो वहां से इक्वेशन देखो, बोल रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इक्वल टू क्या लेना है, 0। इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू आया है आपका 11 8 4 3 प्लस ए इंटू ए का वैल्यू 3 a 2 a a a, बी का वैल्यू बी 0 0 b, 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स होता है बाबू, 0 कुछ नहीं होता, 0 क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। अब सबको ऐड कर लो, जब आप ऐड करेंगे तो 11 प्लस 10 प्लस 10 तो हो जाएगा क्या, 3 a प्लस b प्लस 11, पहले पोजीशन पे यही आएगा, दूसरे पोजीशन पे क्या आएगा, ये वाला वैल्यू, ये और ए, क्या हो जाएगा जी, 8 प्लस 2 a और प्लस हो जाएगा 0, तो रहने दो, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको इसको और इसको ऐड करो तो यहाँ हो जाएगा 4, पहले लिखो ना a प्लस क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा बाबू, ये तो 0 ही है। अब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, a प्लस क्या हो जाएगा बताओ, 3, ए में 3 से करिएगा तो क्या हो जाएगा, a+3, ठीक है कि नहीं, और यहाँ दिया हुआ है b तो यहाँ हो जाएगा a+b+3, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0 0 और 0, पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो अब करेंगे क्या कि दूसरा वाला जब दूसरे के बराबर होगा तो 8 प्लस 2 a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो 2 a इक्वल टू -8, उड़ा दो 4 बार में तो ए इक्वल टू क्या आ गया, -4। अब जब ए का वैल्यू -4 आ गया, यहाँ पर भी तो -4 आएगा, जब ए का वैल्यू -4 आ गया तो बी निकल जाएगा, कैसे निकलेगा देख लो, यहाँ हो जाएगा बाबू a+b+3 इक्वल टू 0, ए का वैल्यू आ गया -4 प्लस हो जाएगा बी प्लस हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें से इसको घटाओगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 और +b = 0, इसीलिए b = 1, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो a और b का वैल्यू